दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। मानसून को लेकर बड़ी खबर है, प्रदेश के इन जिलों में बिजली गिरने के साथ साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम वैज्ञानिकों ने। आप सभी सतर्क रहिएगा, बेवजह घर से बाहर न निकले। वहीं कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों, किसानों तथा छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वहीं किसानों के लिए बड़े काम की खबर है, सीधे आधार लिंक खातों में अब होगा भुगतान। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के लिए लिया है बड़ा फैसला। श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं यह संकल्प लेता हूं कि प्रदेश के गरीबों को रहने के लिए जमीन का पट्टा देकर भूखंड का स्वामी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना लॉन्च कर हम शीघ्र ही योजना का लाभ अपने गरीब भाई बहनों को देना प्रारंभ करेंगे। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान जारी किया है, फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है उन्हें रहने के लिए ज़मीन का टुकड़ा देंगे, शहरों में मल्टी बनाकर देंगे, रहने का आशियाना भी देंगे। तो चले सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखंड अधिकार योजना के बारे में क्या कहा है। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अपने भोपाल के कार्यकर्ताओं के बीच एक योजना की घोषणा और कर रहा हूं। देखो मैं कई जगह जाता हूं, गरीब आदमी मिलता है। अभी मैं दौरे पे गया तो एक बाप के चार बेटे हो गए, चार बहू आ गई, उनके बच्चे हो गए। अब घर में जगह है ही नहीं, उतने घर में बिल्कुल 20-25 पड़े। मैं गरीबों की बात कई जगह मुझे लोगों का कहा रहे, मुझे आवास योजना का मकान तब तक नहीं मिल सकता जब तक पट्टा ना। इसलिए आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूं, योजना बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, जल्द इसको लॉन्च करेंगे और वो योजना होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। कॉन्ट्रैक्ट में पट्टा लिख सकते हैं अपन और उसका लक्ष्य ही रहेगा कि हम चिन्हित करके जिन लोगों के पास रहने की भी जगह नहीं उनको रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएं। शहरों में जहां इतनी जमीन ना मिले वहां मल्टी स्टोरी बनके उसको रहने का आशियाना उपलब्ध कराएं, क्योंकि इस धरती पर अगर वो पैदा हुआ है तो रहने के जमीन का टुकड़ा क्या अधिकारी तो वो है। वैसे भी आजकल अपन जमीनें माफियाओं से छुड़ा ही रहे, आज भी अखबार में देखा होगा अगरबत्ती छुड़ाते जा रहे हैं तो गरीबों को दे देंगे आप तो कौन सी दिक्कत है, ऐसी जमीन ढूंढेंगे और गरीब को पट्टे देंगे या गरीब को मकान बना के देंगे। हर एक के पास कम से कम इतना तो हो गया रहने की जमीन का टुकड़ा उसका, ये दरिद्र नारायण की सेवा है। इस कार्यक्रम को हम लॉन्च करेंगे और सबको रहने की जमीन का टुकड़ा पहले चरण में देंगे। अगर व्यवस्था कहीं खरीद के भी करनी पड़ी तो करेंगे, सरकारी मिली तो सरकारी देंगे और बाद में फिर प्रोसेस रहेगी मकान भी बनेगा। एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनके बताए मार्ग पर चलकर हम जनता के कल्याण के काम सरकार के माध्यम से करते रहेंगे। धन्यवाद। अपनी भलाई तथा आमजन के हित के लिए कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दमोह, जबलपुर सहित अनेक जिलों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में शनिवार को पूरे प्रदेश के साथ जबलपुर, दमोह जिले में भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जबलपुर में विधायक विनय सक्सेना जी और दमोह में कांग्रेस विधायक अजय टंडन जी के साथ जिले भर से आए कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन में भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि आज आम आदमी महंगाई से काफ़ी परेशान है, मजदूर वर्ग का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन भाजपा सरकार को इस बढ़ती हुई महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। आज रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये के पार पहुंचने वाला है। वहीं पेट्रोल की कीमत 111 रुपये प्रति लीटर है और डीजल की कीमत भी 100 से ऊपर है। आज खाद तेल की बात की जाए तो खाद तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, यदि महंगाई इसी प्रकार से रहेगी तो आम जन को घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि में नहीं लगेगा कोई प्लांट, किसानों को नहीं होने देंगे परेशानी। शिवराज सिंह चौहान का सतना जिले में दौरा था। सतना के रहगांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि कृषि भूमि में कोई प्लांट नहीं लगेगा। सतना में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर है, लेकिन जहाँ खेती हो रही है वहाँ कृषि भूमि से चूना पत्थर नहीं निकाला जाएगा। सीएम ने मन से ही खनिज मंत्री को निर्देश दे दिए और यह प्रस्ताव कैंसिल करने को कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतना जिले में उन्हें सुनने आया है कि जमीन में चूना अधिक है। उन्होंने निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि यहाँ चूने की खदानें खेती की जमीन में न खोली जाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले के रेगांव में इसी सत्र से कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने तहसील भवन के निर्माण के लिए 1,15,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन की घोषणा भी की। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले को बहुत बड़ी सौगातें दी हैं, जो जिलेवासियों के लिए खुशी की बात है। किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। अब सीधे आधार लिंक खातों में होगा फसलों का भुगतान, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। अब आधार लिंक बैंक खाते में ही धान उपार्जन का किसानों को होगा भुगतान। प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा कि केंद्र शासन के निर्देशानुसार धान उपार्जन की राशि का भुगतान अब सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में होगा। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिया गया है कि धान उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों के आधार से बैंक खाते लिंक कराएं। भोपाल संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीफ एवं रबी फसल उपार्जन के लिए सभी कोऑपरेटिव बैंक अभी से आधार लिंक प्रक्रिया शुरू करें, ताकि फसलों का भुगतान आसानी से हो। प्रमुख सचिव ने खरीफ उपार्जन की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि बैंक खाते के लिंकिंग की सुनिश्चितता के लिए आवश्यकता होने पर 1 रुपये की राशि का भुगतान करें। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसके आधार से कौन सा बैंक खाता लिंक है और किसानों को पंजीयन के दौरान यह जानकारी उपलब्ध कराएँ। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को यह कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिलों में पूर्व में हुए पंजीयन के आधार पर किसानों के बैंक खाता आधार से लिंक हो सके, ताकि भविष्य में होने वाले उपार्जन कार्य के दौरान उनके भुगतान संबंधी समस्या नहीं हो। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी नवम्बर दिसंबर तक पंजीकृत किसानों के खातों को आधार से लिंक किया जाए, ताकि भुगतान सही और सटीक व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित हो सके। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। इसका मतलब यह है कि अब किसानों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब फसलों का भुगतान होता है तो सोसाइटियों में जाना पड़ता है, संस्था प्रमुख के पास जाना पड़ता है, चेक विड्राल कराने पड़ते हैं। अब यदि आपके बैंक खातों में पैसा आ जाएगा तो आप कभी भी ATM के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हैं, परेशानी से बच सकते हैं। तो अच्छी बात है। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट तथा बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 संभागों में बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी की है। इसलिए सावधान रहिएगा, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। प्रदेश के 7 जिले धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, उज्जैन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, शहडोल संभागों में बिजली गिरने और चमकने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिकों ने। इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा और बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मंडी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है सरकार ने। जल्द तैयार होगा प्रस्ताव, इंसेंटिव भी मिलेगा इन कर्मचारियों को। मध्य प्रदेश के मंडी कर्मचारियों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान जारी किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को मंडी के कर्मचारी बनाने के लिए शीघ्र स्थायी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों की 1-1 मंडी को हाईटेक बनाया जाएगा, इसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जा रही है। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व निर्धारित 30 जिलों की 1-1 मंडी को हाईटेक बनाने की सहमति व्यक्त की गई है। इसके साथ ही अन्य मंडियों में भी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हाईटेक मंडियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। यदि कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाता है तो उन्हें बहुत सारे लाभ मिलेंगे, जैसे प्रमोशन, इंसेंटिव, महंगाई भत्ता आदि। केंद्र सरकार शुरू करेगी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इससे किसानों को होगा बड़ा फायदा।
इस मिशन के माध्यम से किसानों के साथ मिलकर फसल बुआई, कटाई, फसल मुआवजा, सर्वे आदि के काम पारदर्शी तरीके से हो सकेंगे, तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से सरकार चाह रही है कि कृषि को पूरा डिजिटल बनाया जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिले और कृषि पूरी तरह से पारदर्शी हो सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।